अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बस कुछ दिनों से मेरी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पे भी मुझे बहुत हो गई थी। फिर यहाँ से दोबारा हमने यहाँ हॉस्पिटल जाके एंटीबायोटिक ली है, उन्होंने 5 to 7 days का कोर्स दिया है पूरा। आज 4 days हुए, आज थोड़ा सा बेहतर है तबीयत। सो आज हमें जो है वो कार्ड के कुछ काम के लिए बाहर आना पड़ा मजबूरी में, वरना आज तो बारिश काफ़ी है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में अम्ब्रेला है, तो ज़रूरी आना पड़ा। आज फ्राइडे भी है, तो फिर हम लोग ये हमने सोचा कि हम जो है वो काम हो जाएगा तो फिर यहीं पे इंशाल्लाह नमाज भी अदा कर लेंगे। तो पूरी तैयारी से आगे कुछ काम हो गया, कुछ अभी करना है, तो बस हम यहाँ वेट कर रहे हैं। हम बैठ के, बारिश काफ़ी हो रही है माशाल्लाह से, ठंडा मौसम है और अपने आप को कवर किया हुआ हमने। यहाँ रहा देखें, स्ट्रॉलर में सो गई हैं, हमने उन्हें पूरा पैक किया हुआ है बिकॉज़ कि यहाँ पे ठंड है और ठंड मुझे भी बहुत लगती है, रहा को भी, हमें बहुत लगती है ठंड। तो हमें जो है वो जैकेट और सारा कुछ जो है उसका पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, अम्ब्रेला रखनी पड़ती है। यहाँ के वेदर बहुत ही डिफरेंट वेदर है, कभी मौसम जो है वो सनी वेदर हो जाता है, कभी जो है वो रेन हो जाती है, तो उसका सारा जो है इंतज़ाम अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी प्यारी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ये देख रहे हैं आप, हल्की हल्की बारिश है। लेकिन ये ऐसी बारिश है कि जो मतलब के जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो मतलब वो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है उस हिसाब से, ना उन्हें ये बारिश इतनी नुकसान देती है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ठंड भी और बारिश भी बहुत। और देखें वेदर, देखें पूरा क्लाउडी वेदर है यहाँ रहा माशाल्लाह, पूरी स्टॉलर में पैक और इतना प्यारा मौसम है माशाल्लाह। यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे हैं हमारी बारी का। ये ट्रैम जा रही है, ये है यानी जामे पड़ता महमद पाशा मॉस्क। यहाँ हमने जुमा पढ़ लिया है, ये पूरा लेडीज़ एरिया है वुजू का और ये पूरा लेडीज़ का कदन। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत से क्लाउड है, क्लाउड्स हैं और जो है वो देखें माउंटेन नज़र आते हैं यहाँ से, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम कश्मीर में हैं और बहुत ही प्यारा। ये रोड है, यहाँ पे हमारी बस आती है, सो ब्यूटीफुल। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो बंगलोज बन रहे हैं, यहाँ 4 बंगलो बनेंगे, 2 रेडी हो गए हैं, 2 बन रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी और ब्यूटीफुल वे। ये पूरा नीचे का है, मैं रहा को लेके पार्क जाऊंगी, फिर उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें ये मेरा दलिया बन गया है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि बन गया है। इसमें मैंने बैंगन छोटी छोटी करके डाले, यहाँ जिस तरह दलिया बनता है मैंने बिल्कुल वैसा बनाया है। और बिल्कुल इसमें सिर्फ सॉल्ट है और कुछ भी मसाला नहीं है। यहाँ मेरी चने की दाल और आलू भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डन हो गया ये भी खाना। जी फ्रेंड्स, तो हम आ गए ग्राउंड में, ये ग्राउंड है बहुत ही खूबसूरत सा फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पे बच्चे और बड़े जो हैं वो प्ले करते हैं और बस एम्प्टी है। तो मैंने और इरहा ने कहा हम लोग भी थोड़ा सा घूम आते हैं यहाँ पे। इरहा बहुत हैप्पी होती हैं जब वो इस जगह आती हैं, उन्हें पता है ये मेरी फेवरेट जगह है, तो बस। जी फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, थोड़ी हल्की हल्की ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आने वाला है, और सूरज आ जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मज़ा आ जाता है। और बस यहाँ बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सुकून से कहीं बैठना भी बहुत अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है। इरा अपना खेल रही हैं और मैं यहाँ बड़ी मतलब होता है ना, कभी कभी ऐसा टाइम चाहिए हमें होता है
कि जिसमें हम खुद हों और सुकून हो, तो बस ये वैसा ही टाइम है। और बस आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।